नमस्कार, मेरा नाम राजू है। मुझे मेरे एक सीनियर ने कहा कि ज़्यादा उड़ो नहीं, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हो। हर्षद मेहता कांड सुने हो? कैसे उन्होंने कांड किया और सारा का सारा पैसा उनका चला गया और जेल में ही मर गया। अभी उनका न्यूज सीरीज आया है टीवी पे, देखा होगा उन्होंने। हाँ, मैंने उनको देखा है। ये शेयर मार्केट हर्षद मेहता से पहले भी था और हर्षद मेहता के बाद भी है। तो उन्होंने कुछ गलत किया तो इसका मतलब नहीं कि एक आदमी ने गलत किया तो पूरा का पूरा मार्केट ही खराब है। मैंने पिछले 13 साल में सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, सिवाय म्यूचुअल फंड के पैसा और कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने शुरुआत 100 रुपीज के SIP से किया था, फिर 3,000 का SIP किया और आज लगभग 1 लाख रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, किसान विकास पत्र खरीदना चाहते हैं, प्रोविडेंट फंड में रखना चाहते हैं, DSOP खरीदना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? एक लेवल ऊपर सोचिए, इन सब ने पैसा कहाँ डाला है? तो आंसर आएगा, मार्केट में लगाया है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, किसान विकास पत्र, आपका DSOP, आपका प्रोविडेंट फंड, सारे लोगों ने पैसा मार्केट में लगाया है। तो बेहतर है कि मैं लगा देता हूँ पैसा, इन सबको हटा देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड एक प्लेटफॉर्म है कि इन सबको हटा के आप डायरेक्टली पैसा फंड मैनेजर के हाथ में देते हैं और वो पैसा अपना मैनेज करके वहां से मार्केट से आपको पैसा आता है। तो लंबे समय में बने रहेंगे, जैसे मैं बना रहा तो 13 से 15% का रिटर्न मुझे अभी दिख रहा है। आप भी लंबे समय तक बने रहेंगे तो इतना ही रिटर्न आपको दिखेगा। मैं पिछले 13 साल में करोड़पति बन गया। अगर 13 साल 15 साल कोई भी इन्वेस्टेड रहे, 15 से 20 हजार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते रहे, तो कोई भी करोड़पति हो सकता है। ये हर्षद मेहता उड़ जाएगा, इतना हलवा नहीं है कि पैसा उड़ जाएगा एक बार में। मैंने मेरा जो 1 करोड़ 70 लाख है, एक बार में उड़ जाएगा, हलवा नहीं है ये। हमने बहुत मेहनत से, बहुत स्टडी करके यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है। मेरा पैसा डूबने का मतलब है कि SBI बैंक डूबेगा, पोस्ट ऑफिस डूबेगा, LIC डूबेगा, क्या सब कुछ डूब जाएगा? तो फिर देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे? तो नहीं डूब सकता है मेरा जो पैसा। मैं अगर अपने पोर्टफोलियो को अंदर व्यू करके देखता हूँ तो मेरा 1 करोड़ 70 लाख रुपया 800 कंपनी में इन्वेस्टेड है। 800 कंपनी का मतलब है कि मेरे पैसे को डूबना है तो 800 कंपनी को डूबना पड़ेगा। इसका दूसरा अर्थ है कि मेरा मेरे पास 800 अंडे हैं और 800 अलग अलग टोकरी में रखे हुए हैं। अगर एक टोकरी गिरता है तो एक ही अंडा टूटेगा। एक कंपनी डूबेगा तो उतना ही पैसा जाएगा, 100% डिवाइडेड बाय 800, इतना परसेंटेज का पैसा जाएगा अगर एक कंपनी डूबेगा तो। 100 कंपनी भी नहीं कि एक कंपनी डूबा तो 1% पैसा डूबा। 800 कंपनी में इन्वेस्टेड है तो less than 1% भी नहीं है वो पैसा एक कंपनी पर डूबता है तो इतना कोई आसान नहीं है कि म्यूचुअल फंड डूब जाए। आज तक कोई म्यूचुअल फंड नहीं डूबा है। कम ज्यादा होता है, ऊपर नीचे हो सकता है, 10%, 15%, 20%, 50% तक इस कोरोना काल में पोर्टफोलियो डाउन हुआ, पर जिसने नहीं निकाला फिर से वहां वापस आ गया। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, कोरोना काल में मेरा पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ से गिर के 1 करोड़ 10 लाख पे आया। मैंने कुछ भी नहीं किया, हाँ डर तो लगता है, पर मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, फिर से 1 करोड़ 60 लाख पे आ गया। तो ये हलचल तो होते ही रहेगा मार्केट में ऊपर नीचे, पर ये कहना कि मार्केट डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, कौन क्या डूबेगा भाई? ये वो लोग बोलते हैं जिनको जानकारी नहीं है। क्या क्या डूब जाएगा? क्या कंपनी सारे खत्म हो गए? जिन जिन कंपनियों में हमने मेरा पैसा फंड मैनेजर ने लगाया था सारे डूब गए। मारुति भी डूब गया, हीरो होंडा भी डूब गया, रिलायंस भी डूब गया, SBI भी डूब, सब डूब गया, कुछ नहीं डूबा है। तो 4 कंपनी डूबे होंगे, पर उससे तो फंड मैनेजर पहले ही पैसा निकाल लिए होंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट है, हमने उनको पैसा दिया है, एक्सपर्ट है तभी तो उनको मैनेज करने के लिए दिया है। हमें नहीं आता है शेयर मार्केट करना, कौन से शेयर में लगाऊं, किस में नहीं लगाऊं, इसीलिए तो हमने उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाने दिया है मार्केट में। तो ये कहना कि डूब जाएगा, हर्षद मेहता की तरह हम भी खत्म हो जाएंगे, ये वो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है। नहीं पता है इसलिए तो बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं समझ में आता है, मात्र 100 रुपये कीजिए, जब समझ में आ जाएगा तब ज्यादा कीजिएगा। तो मान लो नहीं समझ में आएगा, आपको जिंदगी भर समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन मेरे कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं, राजू मैंने तो इन्वेस्ट नहीं किया मार्केट में, लेकिन मैं अपने बच्चे को जरूर बोलूंगा कि शुरू से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना। क्यों? क्योंकि उनको बाद में समझ में आ जाता है कि अदर देन म्यूचुअल फंड सब वेस्ट है। लंबे समय में अगर आपके पास 30 साल, इतना ही दिन होता है, 30 साल 40 साल के लिए लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, आपको कब है कि सारा पैसा आप निकाल लेते हैं? पैसे तो जब कमा रहे हैं तो लोग लंबे समय के लिए लगाते ही हैं। तो वो कहते हैं, रिग्रेट करते हैं अपनी जिंदगी में कि काश मुझे भी कोई ऐसा समझाया होता, मैं भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता। पर वो अपने आप को रिग्रेट करके बोलते हैं कि ठीक है मैं नहीं लगा पाया, लेकिन मैं अपने बच्चे को जरूर गाइड करूंगा, वो शुरू से पैसा लगाएंगे। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर मुझे कॉल करते हैं कि राजू ये मेरा बच्चा अभी फर्स्ट सैलरी शुरू किया है, इसको तो म्यूचुअल फंड में गाइड करो। मैं नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, पर इनको गाइड करो और बताओ इनको क्या करना है। तो उनके बच्चे मेरे से इन्वेस्ट कराते हैं। तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ मत समझिए। आप 100 रुपया का SIP शुरू कीजिए, कितना पैसा जमा हो जाएगा? 100 रुपया करेंगे तो 12 महीने में 1200 रुपया जमा होगा, 5 साल में 6000 रुपया जमा होगा। फिर देखिए कौन डूब रहा है, क्या बच रहा है, आपका पोर्टफोलियो सब बता देगा आपको।
कौन से फंड में करूं राजू? एसबीआई ब्लू चिप में कीजिए, एसबीआई ग्लोबल फंड में कीजिए, एसबीआई स्मॉल कैप में कीजिए, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में कीजिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में कीजिए। बहुत बेहतरीन फंड है एसबीआई के, किसी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। आपको एसबीआई में ऑनलाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके कर सकते हैं। या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखना है, कैलकुलेशन करना है, तो starsip.in के लिंक में जाके आप सारी चीज चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।